तो दोस्तों काफी कोहरा लग चुका है यहाँ पे और ठंडी बहुत हो रही है और हम जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर। इन भाई का बहुत गंदा सीन हो गया, मैंने बताया था, बहुत बड़ा सीन हो गया। इन्होंने चाबी खो दी बाइक की, बाइक से चाबी उड़ गई है। ये रहा डोलाश्रम जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक, बहुत भूख लगी भाई, दिन भर कुछ खाया नहीं, फास्ट था हमारा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल दीपू पहाड़ी ब्लॉग पे। और अभी हम जा रहे हैं डोलाश्रम की ओर और अभी हम रुके थे एक रास्ते पे डोलाश्रम जाते टाइम एक रास्ते पे, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा व्यू आ रहा है। और मेरे साथ हैं मेरे भाई शंकर सोनू और कैलाश भाई हमारे, जो कि खास आज ही आ रखे सुबह सुबह और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे फोटो खींचते हैं। और काफी अच्छा व्यू आ रहा है, आपको एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ से कितना दूर होगा डोलाश्रम? यहाँ से एक घंटा, यहाँ से करीब एक घंटा और लग जाएगा बोल रहे हैं ये। और नीचे का देख सकते हो आप एकदम से, ये नीचे रोड है, इतनी नीचे पूरा मौसम मस्त हो रहा है, एकदम बादल लगे हैं और आसमान में धूप भी आ रखी है। तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके थे और अब हम निकल रहे हैं, हमने थोड़ी दो चार रील बनाई और थोड़ी बहुत थोड़ी फोटो शूट, थोड़ा डांस वांस हुआ, सब कुछ डन। अभी हम जाएंगे डोलाश्रम की ओर और यहाँ से लगेगा 50 मिनट, फिर आपको वहाँ जाके दिखाएंगे सब कुछ, क्योंकि वैसे तो अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, मगर फिर भी हम आपको बार बार से दिखाएंगे आपको सब कुछ। और मौसम बहुत सुहाना प्यारा, मौसम ने भी हमारा साथ दे रखा है और भगवान जी ने भी। अब हम निकल रहे हैं डोलाश्रम की ओर। तो दोस्तों अभी एक घंटा बाइक में चलने के बाद हम अभी पहुंच चुके हैं डोलाश्रम और ये देख सकते हो आप पीछे, और आपको मैं आगे से कैमरे से दिखाता हूँ। ये रहा डोलाश्रम जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक आश्रम है। तो दोस्तों हमारी मैगी आ चुकी है और हम मैगी का लुत्फ़ उठाते हुए, कैलाश भाई सीन बन गया, बोलो तो कैसा हो गया, क्या सीन बन गया? बहुत मस्त। और वहाँ पे एक कुछ सीन बन गया, पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं वापस, भाग रहे थे गाड़ी वाले भाग रहे थे। और हम फिलहाल कोई नहीं, हमें तो गाड़ी में, अच्छा हम फिलहाल मैगी खा रहे हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं हम डोलाश्रम की ओर। आप लोग भी खा लीजिए, अभी मिलते हैं हम मैगी खाने के बाद। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम डोलाश्रम, तो ये रहा पीछे डोलाश्रम और ये है अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में। ये एक घने जंगलों के बीचे बीच आप, और ये यहाँ का गेट, और अंदर तक हम केवल अंदर तक बना सकते हैं वीडियो, गेट के अंदर तक। ये है गेट और ऊपर में आपको दिख रहा होगा शिव जी और पार्वती जी का, और काफ़ी अच्छा गेट है देख सकते हो आप, बनाने वाले ने कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। मंदिर परिसर के अंदर आ चुका हूँ और आप पीछे देख सकते हो शिव जी की प्रतिमा जो कि काफ़ी लंबी है, और यहाँ का मंदिर परिसर डोलाश्रम का। और यहाँ पे हमने एंट्री करानी होगी, और ये हमारे कैलाश भाई। हेलो भाई जी, हाय, कैसी फीलिंग आ रही है आपको आके इधर? हाँ मज़ा आ रहा है ना कसम से यार। ये है भोलेनाथ की प्रतिमा, काफ़ी लंबी है और वहाँ पे बाघ, हिरन, शेर, भालू सब कुछ बनाया हुआ है। ओके भैया जी, और इस साइड एंट्री करने के लिए जाना होगा पहले हमें, और जहाँ तक वीडियो बनाना अलाउड होगा वहाँ तक बनाएंगे, बाकी हम नहीं बनाएंगे। तो अंदर आने के बाद आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे अपना, और उसके बाद जो फिर आप अंदर परिसर में घूम सकते हो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये शिव जी का मूर्ति जो काफ़ी लंबी है, और इन्होंने बताया कि यह करीब 52 से 55 फीट के करीब इसकी लंबाई है, और ये काफ़ी ऊंचा है आप देख सकते हो। और ये पूरा डोलाश्रम का है मंदिर परिसर, और हम केवल आगे तक ही वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद अंदर मंदिर परिसर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और तो फिर हम आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं, और यहाँ के कुछ अलग ही वाइब आ रही है। तो ये रहा मंदिर परिसर, और इस गेट के अंदर हमें वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे है लॉकर रूम, तो हमारे सारे बैग, हेलमेट और कैमरा, फ़ोन यहीं पे लॉकर रूम में रख देंगे। और नीचे मेरे ख्याल से नीचे बच्चे हैं वहाँ पे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में।
आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है गुरुकुल और इसमें बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ संस्कृति की विद्या दी जाती है और साथ ही साथ एजुकेशन भी है। यहाँ यह 12th क्लास तक है। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा था तो उसने बोला था कि हमें यहाँ 12th तक पढ़ाई होती है और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। ये यहाँ का व्यू, वो पीछे देख रहा है डोल आश्रम का मंदिर। इसके अंदर एक है श्री यंत्र जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है और जिसका वजन है करीब 1.5 टन और दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र है जो कि इसके अंदर है। क्योंकि हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हम नहीं बनाए और हम बाहर बाहर से वीडियो बना सकते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और बाकी आप अगर यहाँ आओगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। जो ये डोल आश्रम मंदिर है ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये अल्मोड़ा से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी में। तो दोस्तों हमारे साथ एक भाई हैं इधर है जो कि अल्मोड़ा से हैं और आप इनका नाम है वैभव जोशी। यहीं पढ़ते हैं इस गुरुकुल में तो ये हमको थोड़े बहुत यहाँ के बारे में जानकारी देंगे और ये डोल आश्रम के बारे में। तो वैभव जी थोड़ा यहाँ के बारे में बताओगे आप? जी यहाँ तक हमारा ये विद्यालय है नीचे, ये वाला ना आप देख सकते हैं। ये विद्यालय है। नाम क्या है इसका? यहाँ श्री कल्याणी का वेदांत संस्कृत विद्यापीठम। अच्छा। तो सामने लिखा है और यहाँ 6 से 12 तक पढ़ाई है। 6 से 12 तक, 8 तक मतलब नॉर्मल सारी वो होती है। अच्छा। सारी पढ़ाई होती है और 8 के बाद संस्कृत पढ़ाई होती है। अच्छा। और यहाँ पे एक श्रीयंत्र मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहाँ है इसके अंदर ना जी, जो अष्टधातु से बना गया है। और भी मंदिर यहाँ पे राजराजेश्वरी पंचदेव है यहीं पे। ओके। और बाकी और भी खास है, नीचे नर्मदा कुंड है। अभी पे नीचे पंचदेव के अंदर ही नर्मदा कुंड है। अच्छा। उसकी भी खास है जहाँ पे बाबा जी ने मतलब तपस्या की थी जी। बाबा जी, और यहाँ के बाबा जी का नाम? कल्याण दास जी महाराज। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो गुरुकुल है वो भी उनके नाम पर है ना? अभी यहाँ पर कितने बच्चे हैं? यहाँ पर अभी 80 से 90 बच्चे। तो यहाँ पर जो बोर्ड है कौन सा है आपका बोर्ड? बोर्ड UPSC बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड। अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मौसम कितना मस्त हो रहा है और ये मंदिर, आप जब भी आप कभी इस मंदिर में आओगे तो आपको बहुत अच्छा फील महसूस होगा। बाहर से देखने में इतना अच्छा है तो अंदर से आप लगा सकते हो कितना अच्छा होगा। बस ये है कि यहाँ आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर से, बाकी आप बाहर बाहर वीडियो बना सकते हो। और आपको मंदिर देखना है तो आपको आना पड़ेगा अंदर, इधर आना पड़ेगा आपको उसके लिए पर्सनली, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, अब हम थोड़ी देर मंदिर परिसर में थोड़ी बहुत फोटो खींचते हैं अपनी यादगारी के लिए और उसके बाद निकलते हैं हम हल्द्वानी की ओर। दोस्तों हमने डोल आश्रम के दर्शन कर लिए मंदिर के और अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी की ओर और आपको दिखाते हैं हल्द्वानी में हम कहाँ जाते हैं। और उसके बाद हम सुबह, कल सुबह जाएंगे हम कैची धाम मंदिर में। और कैची धाम मंदिर में भी आपको पता ही है सुबह सुबह काफ़ी भीड़ रहती है उधर, और देखते हैं हम सुबह कितने बजे तक पहुँच पाते हैं कैची धाम। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर और आप दिखाते हैं हल्द्वानी में। ठंडा हो चुका है और अभी हमें यहाँ से हल्द्वानी का सफ़र तय करना है। और अभी और रखा है टाइम, देख सकते हो आप 5:40 होने वाला है। और ये भाई, हमारे भाई कैलाश जो हमारी वीडियो बना रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और तो हम निकलते हैं अभी हल्द्वानी की ओर। तो हम डोल आश्रम से बाहर निकल चुके हैं। काफ़ी कोहरा लग चुका है यहाँ पे और ठंडी बहुत हो रही है और हम जा रहे हैं हल्द्वानी की ओर। अभी करीब 1 या 2 घंटा लगेगा हमें जाते वक्त। और देख सकते हो आप बाहर सामने कुछ भी नहीं दिख रहा और ठंड बहुत हो रही है और रात भी होने वाली है अभी। और पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम हल्द्वानी। दोस्तों अभी रुक गए हम फिलहाल यहाँ पे और भूख लगी फिर से हमें, क्योंकि हमने खाली की मैगी खाई थी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो थोड़ा खाना वाना खाते हैं इधर से जो भी मिलता है और उसके बाद निकलेंगे हम। और हमारे भाई जी परेशान हो चुके हैं इधर, भूख तो कितनी भूख लगी, बहुत भूख लगी है भाई, दिन भर कुछ खाया नहीं, फास्ट था हमारा। तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने मैगी खा ली थी और अब दोबारा थोड़ा बहुत कुछ खा लेते जो भी मिलता है। और ये है दुकान, अब यहाँ चलेंगे हम होटल। तो अभी थोड़ी देर थोड़ा कैमरा भी चार्ज कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है और ठंड भी काफ़ी हो रही है और एक दोस्त पीछे से आ रहा है, कुड़ी गए कुड़ी। और ठंड से हम लकड़े गए, इधर बहुत ठंड हो रही है, एक तो बाइक में ऊपर से यहाँ धुंध लगी पड़ी है और रात अलग होगी इधर अंधेरा।
दोस्तों, अभी हो रखा है 8:30 और अभी हम पहुंचे हैं भीमताल में और काफ़ी थक भी गए थे बाइक में बैठे बैठे और क्या बोलते हैं भूख भी लग रही थी, तो हम अभी फिलहाल खाने के लिए बैठे हैं रेस्टोरेंट में। और एक और सीन हो गया हमारे साथ, गाड़ी में इतने झटके लगे कि बाइक की चाबी खो गई कहीं, हमारे दोस्त की फोन में आएगी गाड़ी बाइक की चाबी खो गई है और फिलहाल अब हल्द्वानी जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी खाना आ चुका है, अभी हम फिलहाल खाने के लिए रुके हैं भीमताल और खाने के बाद हम निकलेंगे फिर हल्द्वानी की ओर। और इन बाइक का बहुत गंदा सीन हो गया, मैंने बताया था बहुत बड़ा सीन हो गया, इन्होंने चाबी खो दी बाइक की, बाइक से चाबी उड़ गई है क्योंकि रोड में इतने गड्ढे थे कि झटके मार मार के हमारी हालत ख़राब हो गई, तो सारा ही क्या बोलते उसको चाबी गिर चुकी है। अभी फिलहाल खाना खाते हैं और गायब हो गई और उड़ गई, तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद हम निकलते हैं हल्द्वानी की ओर। रात के 9:15 हो चुके हैं, अब निकले हैं हल्द्वानी की ओर। गाइस मेरी गाड़ी खुली हुई है क्योंकि चाबी खो गई है, इनकी चाबी खो गई है, प्लीज शुक्र है कि गाड़ी चल रही है, नहीं तो हम रास्ते में अटक जाते। दोस्तों रात के 9:30 और हम जंगल में फंस चुके हैं, अभी तक हम हल्द्वानी नहीं पहुंचे, चारों ओर जंगल ही जंगल है, बहुत डर भी लग रही, बहुत अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। एक हम है और एक हमारे साथ पीछे एक बाइक वाला और है हमारा दोस्त। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल काठगोदाम, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम के अंदर, हमने रूम ले लिया है अब सोएंगे अभी थोड़ी देर और बज गए और बज चुके हैं, देखो रात के 11:10 हो चुके हैं और सकल में 12 बज चुके हैं, बस एक घड़े में 11 बजे हुए हैं, तो बहुत थक चुके हैं और कांड भी हो चुका हमारे साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप थोड़ा बहुत नहा धो के हम भी जो बहुत बुरा नहा धो के सो लेते हैं, ऐसा कांड हो रखा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, और कल हम पहले कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता, तब तक के लिए बाय बाय।